पटना बिहार की राजधानी। पटना भारत के बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक महानगर है और राज्य की राजधानी भी है। पटना का नाम सुनते ही आंखों में एक खूबसूरत तस्वीर छलकती है और उसी खूबसूरती में चार चांद लगाती है एक बेदाग शख्सियत की मौजूदगी। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं पटना शहर के बेहद ही सुलझे हुए जन नेता की, जिन्होंने नाम से ही नहीं बल्कि काम से अपनी पहचान बनाई, और वो है पूर्व मेयर अफजल इमाम। वैसे तो अफजल इमाम ये नाम पटना वासियों के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी उनकी ख्याति जग जाहिर करना हमारा फर्ज है। अफजल इमाम का जन्म साल 1975 आलमगंज पटना में हुआ। उन्होंने बीए तक अपनी पढ़ाई पूरी की। शुरुआती दौर में ही उन्हें राजनीति से लगाव रहा और साल 1990 से वो राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 2000 में पहली बार चुनाव में नगर निगम के लिए चुने गए और लगातार साल 2010 से 2017 तक पटना महानगर पालिका के महापौर बने रहे। अफजल इमाम ने अपने महापौर पद पर विराजमान रहते हुए शहर का पूरी तरह काया पलट कर रख दिया। डोर टू डोर कचरा संग्रह, स्ट्रीट लाइट, सभी क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन, सड़क, जल निकासी कनेक्शन जैसे अनगिनत विकास कामों को अंजाम दिया। नगर निगम कार्यालय में कई बेरोजगारों को रोजगार के रूप में नौकरी दिलाई। इसमें निराधार तथा विधवा महिलाओं को भी खास तौर पर शामिल किया गया। अफजल इमाम ने सेवा में कोई किस्म की कसर नहीं छोड़ी। वो जनता के हक के लिए हमेशा एक चट्टान बनकर उभरे हैं। इसीलिए इन्हें गरीबों का मसीहा तक कहा गया है। साथ ही इस गरीबों के मसीहा की एक और खूबसूरती देखने को मिलती है और वो है गंगा जमुना तहजीब। जी हां, अफजल इमाम भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है। किसी भी धर्म, वर्ग, जाति का इंसान उनके पास मदद के लिए जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वो हर किसी की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हाल ही में गंगा जमुना तहजीब का एक नजारा पटना शहर में देखने को मिला। बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के दौरान अफजल इमाम ने व्रतियों के स्वागत में सबसे बड़ा बैनर लगाया तथा उन्हें अपने हाथों से सूप, नारियल वितरित किए। इसी तरह अफजल इमाम सभी धर्मों के लोगों के साथ खड़े रहते हुए अपनी जनहित के कामों को अंजाम देते रहते हैं। 20% सियासत और 80% खिदमत का म्यार लिए हुए तपती धूप हो या बरसती बारिश या फिर कड़ाके की सर्दी, दिन रात ना देखते हुए अफजल इमाम निकल पड़ते हैं जन सेवा के लिए, और यही खासियत उन्हें बनाती है पटना का सबसे बड़ा जन नेता।
अपने 7 साल के कार्यकाल में अफजल इमाम साहब ने पटना शहर को एक कामयाब शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के मद्देनजर पटनावासी फिर से एक बार अफजल इमाम के रूप में उनकी पत्नी महजबी को महापौर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। पटना वासियों की ख्वाहिश के मद्देनजर अपने खिदमत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अफजल इमाम ने इस बार अपनी पत्नी महजबी को राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है और लोगों से उम्मीद जताई है कि उनकी पत्नी महजबी विकास कामों को लेकर जनता के फैसले पर खरी उतरेंगी। पटना के बेहतर भविष्य के लिए महजबी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लोग अफजल इमाम के पटना महानगर में किए गए विकास कामों को भूले नहीं हैं। इसीलिए पटना को कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए फिर एक बार अफजल इमाम प्रत्याशी महजबी को मौका देना बहुत जरूरी है। अफजल इमाम साहब की पत्नी महजबी, जी हां, अफजल इमाम साहब के साथ कई बरसों से कंधा लगाकर जन सेवा में कई कार्य कर रही हैं, उन्हें मदद कर रही हैं और उन्हें भी जन सेवा का अच्छा खासा तजुर्बा है। इसलिए बहनों और भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आने वाली 28 तारीख को, जी हां, अपना कीमती वोट मेयर पद के लिए, जी हां, मेयर पद की उम्मीदवारा, हम सबकी लाडली उम्मीदवारा अफजल इमाम साहब की धर्मपत्नी महजबी को ही दीजिए। याद रखिए, चुनावी तारीख है 28 तारीख। जी हां, 28 दिसंबर को होने वाले चुनाव में मेयर पद का अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ, जी हां, लोकप्रिय मेयर पद की, जी हां, उम्मीदवारा महजबी को ही अपना कीमती वोट देकर कामयाब कीजिए। वोटिंग का टाइम है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक।